सो गाइस लंच हो गया यहाँ पे हमारा, माउंटेन ड्यू भी हम लोगों ने पी लिया है। एक्सीडेंटली वी हैव बीन नियर चंडीघाट, तो अब आपको दिखा देते हैं कि चंडीघाट पे क्या क्या है। और मेरे हिसाब से हरिद्वार की जितने भी घाट है उसमें सबसे नया और सबसे अच्छा बोल सकते हैं। yes. और यहाँ पे एक्चुअली कैफेटेरिया बनाया है, हम यहाँ इसके बाद ही पता चला, तो हम यहीं पे बैठ के लंच करते हैं। हम लोग एक्चुअली हरिद्वार सिटी की तरफ जाने वाले थे बट भटकते भटकते हम लोग यहाँ पे आ गए। बट इनफैक्ट अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पे आ गए। ये ऊपर ब्रिज पे से हमने देखा था ये घाट, बट अब फाइनली यहाँ आ गए तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी इसमें वीडियो में पूरा दिखा देते हैं किस तरह का है। और अगर हरिद्वार अगर आप आ रहे हैं वी आर इस घाट को मिस मत करना। सो गाइज यहाँ पे कैफेटेरिया है चंडी घाट पे, जहाँ पे अभी हमने लंच किया। द फूड वॉज गुड टेस्टी। सो यहाँ पे हमने सोचा यहाँ चंडीघाट आ गए तो यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें खुल गई जो यहाँ आने के बाद हमें पता चला। एरिया है अभी भैया बता रहे थे कि क्या नाम भैया आपका, राजेंद्र भैया जो थे उनसे बात हुई अभी हमारी, तो भैया ने बताया कि ये जो पूरा एरिया है मोदी जी ने इसको ऑनलाइन जो है इसका इनॉग्रेशन इसी साल किया है, इसी साल किया था। और ये जो है गंगा अवलोकन जो है इसके सेक्शन है पूरा, और इसके अंदर नमामि गंगे से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे गवर्नमेंट का, और उससे रिलेटेड गंगा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे ना अलग ट्यूटोरियल के फॉर्म में दी हुई है। राइट, सो जैसे कि ये है यहाँ पे गंगा अवलोकन, तो ये पूरा गंगा का रूप दिया हुआ है कि यहाँ से देव प्रयाग से जैसे गंगा स्टार्ट होती है तो वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते कौन से एरिया में है, उसके बाद जो है गंगा नदी के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। राइट, एंड नेक्स्ट इज गंगा अवतरण द डिसेंट ऑफ गंगा, तो जो भागीरथी जो किंग ऑफ खोसला परफॉर्मेड एन एक्सक्रूडिंग हार्श पेरेंट्स टू ईज गॉड ब्रह्मा एंड ब्रॉट डाउन द गंगा ऑन अर्थ। तो जो जो हिस्ट्री है पूरा, जो हिस्ट्री है गंगा की, गंगा अर्थ पे कैसे आई उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और जो है काफी लाइक हजारों साल पुरानी जो है ये पिक्चर है, तो जो मॉन्यूमेंट्स है उसकी पिक्चर को यहाँ पे लगाया हुआ है। So basically, so sort of museum type है ये बोल सकते हैं, गंगा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। और यस ये एक्चुअली इनॉग्रेट कब हुआ और क्या हुआ आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं? यस 29th ऑफ सितंबर 2020। ओके, तो पीएम ने ऑनलाइन इनॉग्रेट किया है ऑन जूम। और बेसिकली ये इसका जो मोटिव है वो ये है कि लोगों को अवेयर करना। हाँ, कि बेसिकली हम देखते हैं कि जब प्रॉब्लम जो आ रही है, जो मेजर प्रॉब्लम और सोल्यूशन पे जब भी हम बात करते हैं तो एक ही ऑप्शन आता है इज अवेयरनेस, बिकॉज लोगों में अवेयरनेस नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। लाइक हम बात कर रहे हैं गंगा की, गंगा में सिर्फ हम जल को देख रहे हैं। yes. जितने भी लोग आते हैं धार्मिक धार्मिक वैल्यू, हाँ, जो भी लोग आते हैं वो सब यही देखते हैं कि गंगा में जल है, गंगा जल के रूप में। राइट, गंगा में बहुत सारे जीव जंतु आसपास के जो वनस्पति पूरा इकोलॉजी जो है उसका बहुत सारी चीजें, लाइक जितना बायोडाइवर्सिटी है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी लाइक ह्यूमन में ह्यूमन के लिए या फिर किसी भी तरीके से एनवायरमेंट बैलेंस करने के लिए। तो उस बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बाकी एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। लाइक जब हम देखते हैं गंगा जो ऊपर से आ रही है, गंगोत्री से जो स्टार्ट हो रही है एंड गंगा सागर तक जा रही है, तो उसमें बायोलॉजिकल प्लस आपका जितना रिलीजियस है सारी चीज़ को कंबाइन करके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड क्या क्या सोल्यूशंस हैं, उसको उनकी प्रॉब्लम और सोल्यूशन को अवेयर करना और ये सोल्यूशन पे काम करने के लिए बेसिकली ये बनाया गया। मैडम आप यहीं पे मतलब यू टेक केयर ऑफ दिस सेक्शन? सर एक्चुअली मैं बायोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हूँ। अच्छा, एंड मेरा जो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे वो एक हैंडल करता है वहाँ पे। तो हम लोगों का ये इनिशिएटिव है, कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है कि लोगों को अवेयर करना है। ओके, एंड उसमें हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग्स हैं, लोग सर्वे हैं, तो अलग अलग तरीके से चीज़ें चल रही हैं थ्रू आउट द जितने भी गंगा स्टेट्स हैं। प्रीति शुक्ला, सो प्रीति जी ने हमको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये खुद अपने आप में एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है और वो इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है नमामि गंगे के, और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया। सो इट वाज नाइस मीटिंग यू मैम। थोड़ा सा हमें ये इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि दो प्रोजेक्ट जो रखे हुए हैं। बेसिकली एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो गंगा का जो वाटर है तो गंगा वाटर को क्लीन करके जितना भी सीवेज ऊपर से आ रहा है, देखिए ना ऊपर जब हम ऊपर सेगमेंट से आते हैं तो काफ़ी सारा सीवेज आपका गंगा में ही डिजॉल्व हो जाता है, तो उसके लिए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।
लोग कराते हैं। तो ये मतलब अभी बनने वाला है, ये इम्प्लीमेंटेड है, ये बनारस में इम्प्लीमेंटेड है, एंड ये वाला जो है आपका ऋषिकेश में। ओके सो गाइस, अभी हमने देखा, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गंगा इन अवर कंट्री, राइट? सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आज ली, राइट? तो वो हम आपको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने और एक सेक्शन दिखा, दैट इज़ अ सोवेनियर शॉप, राइट? तो अगर यहाँ आप आ रहे हो चंडी घाट में, चंडी देवी के दर्शन करने के बाद अगर आप घाट पे आ रहे हो, तो अगर आपको कुछ सोवेनियर एज अ रिटर्न लेके जाने हैं गिफ्ट्स अपने फैमिली फ्रेंड के लिए, तो आप यहाँ आ सकते हो। सो वी विल एक्सप्लोर। आपका नाम बताएंगे भैया सबसे पहले? नाम विकास कुमार है। विकास कुमार, ओके, नाइस मीटिंग यू भैया। थोड़ा सा हमको बताएंगे सोवेनियर शॉप के बारे में? तो यहाँ पर 50 इयर्स की जितनी भी रिसर्च हुई है गंगा के ऊपर, वो सारे प्रोसेस यहाँ पर है इस बुक में। और मतलब जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन है, जितने भी हमारे मतलब जीव हैं, उसके जीव जंतु हैं, जितने भी हैं, सब बुक्स में है। यहाँ पर सारी बुक्स अवेलेबल है यहाँ पर, जितनी बुक्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है जो पढ़ने के लिए, जिनको रीडिंग का शौक है, इन्फॉर्मेशन के लिए, कलेक्शन के लिए, काफी लोग कलेक्शन के लिए भी बुक्स खरीदते हैं। कंप्लीट 50 इयर्स का जो रिसर्च है गंगा के ऊपर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बुक। यस, सो इफ यू आर कंजर्वेशनिस्ट, यू हैव गॉट लॉट ऑफ जेम्स एट दिस प्लेस। उसके अलावा देर आर सम मैग्नेट्स, आई गेस दीज आर दी मैग्नेट्स, बैजेस, दीज आर दी बैजेस। Here we have some stickers which like reflects the wildlife of Ganga. बच्चों के अखबार भी हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ, जहाँ पे गंगा से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। देन वी हैव सम फ्लायर्स ओवर हियर रिफ्लेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ गंगा एंड द प्रोजेक्ट्स। दिस इज़ द सोवेनियर शॉप जो जिसमें हम लोग अभी आए थे। यहाँ पे मैंने आपको जो सारे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, और काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे जो काफ़ी जो स्टाफ है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, हमने काफ़ी सारी उनसे बात किया, उन्होंने सारे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं हमें वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाए। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आप जब भी हरिद्वार आते हैं गाइस, तो ये प्लेस को विजिट करना मत भूलिए। प्लेस का नाम है चंडीघाट, एंड दिस शॉप इज सोवेनियर शॉप एट चंडीघाट। सो यहाँ पे गंगा से रिलेटेड, अगर आप सच में गंगा को माँ मानते हैं और उसको उतना अगर वैल्यू करते हैं आप, तो गाइस यहाँ एक बार आपको जरूर आना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि गंगा माँ को लेके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चला रही है, और जो ये सारे जो मेंबर्स हैं उस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के, जो ये सारे गंगा प्रहरी है जो इतना काम कर रहे हैं गंगा मैया के लिए, तो एक बार आपको यहाँ आके देखना जरूर से चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है गाइस, और अगर आपको पसंद आया है वीडियो आप देख रहे हैं अभी तक, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम जब भी आप गंगा माँ के किसी भी तट पर पहुंचते, तो यार गाइस गंदगी ना करें, प्लास्टिक ना गिराएं वहां पे, और अगर आपको कुछ गंदा दिखता है तो यार उसे प्लीज अपने साथ ले जाएं। ये जो गंगा नदी की खूबसूरती है वो उसके नेचुरल रूप में ही है, अगर हम उसे गंदा कर देंगे गाइस तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है गाइस? तो चलिए मैं आपको अब घाट की साइड से, घाट का जो सेक्शन है वहां पे ले चलता हूँ, और वहां पे भी दिखा देता हूँ कि जो चंडी घाट है वो कितना ब्यूटीफुल है और किस तरह से यहाँ पे डेवलप हुआ है। और मैं पूरी टीम को बहुत थैंक यू दे बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि सब मतलब हमें बहुत सारा डिटेल, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला है, और बहुत अच्छे से, बहुत फ्रेंडली वे में हमें सारी चीजें मिली है जो हम आप तक लेके आ रहे हैं गाइस। सो आपकी और मेरी सबकी तरफ से थैंक यू टू ऑल गंगा प्रहरी।